तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो, केंद्र सरकार होश में आओ। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। मोदी जी चुप्पी तोड़ो, मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 भारतीय युवा कांग्रेस और आज संसद का सत्र शुरू होने के बाद महंगाई को लेकर प्रदर्शन और तमाम मुद्दे जो कि विपक्ष ने उठाए हैं उन सभी पर प्रदर्शन आज करने जा रही है। और उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है। वाटर कैनन्स यहां खड़े किए गए हैं। अलावा इसके दिल्ली पुलिस की भारी जो है वो बल यहाँ लगाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस CRPF के जवान भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ इस पूरे इलाके को किया गया है। और ये भारतीय युवा कांग्रेस के तमाम इस तरह से लगातार भारतीय युवा कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तस्वीरें सीधी जंतर मंतर के करीब पांच रायसीना की ये तमाम तस्वीरें हैं। डिटेन जो है इन यूथ कांग्रेस के वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है और निरंतर जो है ये लोग बैरिकेडिंग पर आगे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भारी तादाद में यहाँ उनको लगाया गया है क्योंकि आज पार्लियामेंट का सेशन भी है। CISF, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान और खुद मौजूद तमाम सीनियर ऑफिसर जो हैं वो दिल्ली पुलिस के यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल लूटी जा रही है और सरकार मौन होके उस चीर हरण को देख रही है। ये देश के लिए बहुत शर्मसार की होने वाली घटना है। मणिपुर में प्रधानमंत्री जी ने लगातार 3 महीने से एक शब्द नहीं बोले और वो मणिपुर जाने की बजाय विदेशों में जाते रहे। आज पूरा विश्व जब रिएक्ट कर रहा है, जब प्रतिक्रिया दे रहा है, तो नरेंद्र मोदी सामने आए हैं। अभी तक कहाँ थे वो? क्यों मणिपुर के सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं करते? वो क्यों उसको हटाने का काम नहीं करते? जिस तरह से मुख्यमंत्री टिका हुआ है, इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री को सह प्रधानमंत्री का है और प्रधानमंत्री के रहते हुए लोगों के घर जला दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी।